जहां एक तरफ साइबर क्रिमिनल्स हैं जो वीडियो कॉल के जरिए आपकी क्लिप बनाते हैं और उसके बाद आपको धमकाते हैं कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपकी ये क्लिप सर्कुलेट कर दी जाएगी, वहीं कश्मीर में एक मामला सामने आया है जहां पर कश्मीर के ही रहने वाले दो युवकों ने एक लड़की की अश्लील वीडियो बनाए और उसे धमकाया कि अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे तो हम आपकी ये वीडियो सर्कुलेट कर देंगे। यहाँ तक कि पुलिस का ये भी कहना है कि कुछ व्हाट्सएप के जरिए जो है कुछ लोगों में वो वीडियो शेयर भी की गई। मामला बना श्रीनगर का, जिसमें बताया गया है कि एक लड़की जिसके कंप्लेनेंट ने जब कंप्लेंट की तो ये कहा कि वो उनकी भांजी है। ये कहा गया कि दो लड़के हैं जिन्होंने उसकी एक अश्लील वीडियो शूट भी की और उसके बाद उसे धमकाया कि अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे तो इस वीडियो को हम सर्कुलेट कर देंगे। पुलिस को एक रिटन कंप्लेंट जो है शंगलीपुरा श्रीनगर के रहने वाले एक व्यक्ति ने दी और उस मामले में दो लड़के दानिश मजीद भट्ट, जो अब्दुल मजीद भट्ट का बेटा है और नूरबाग का रहने वाला है, और साथ ही में आदिल अहमद राठर जो कि अब्दुल अहद राठर का बेटा है और शंगलीपुरा नूरबाग का रहने वाला है, इन दो लोगों के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट दायर की। और ये भी कहा गया कि उस लड़की से पैसे भी लूटे गए और एक बार नहीं बल्कि बार बार पैसे लूटे गए, ये कहते हुए कि अगर आप पैसे नहीं देंगी तो आपकी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा। पुलिस का ये भी कहना है कि उसके बाद इन दोनों लड़कों ने इन वीडियोस को व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग जगहों पर सर्कुलेट भी किया, कुछ लोगों में शेयर भी किया। पुलिस ने जो है इमीडिएटली इन दोनों को अरेस्ट कर लिया है और इन्हें पुलिस स्टेशन में रखा गया है जहां पे ये कस्टडी में रहेंगे। और साथ ही में पुलिस ने ये भी अपील की है कि अगर किसी के पास इस तरीके की कोई वीडियो आई है तो आप उस वीडियो को फौरन डिलीट कर दें, अगर कोई भी इस वीडियो को सर्कुलेट करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मामला ये है कि जहां एक तरफ साइबर फ्रॉडस्टर जो कि राजस्थान हरियाणा देश के अलग अलग भागों में बैठे हुए हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं इस तरीके से कि आपको व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर वीडियो कॉल करेंगे, आप वीडियो कॉल उठाएंगे तो दूसरी तरफ से वो कोई अश्लील वीडियो प्ले करना शुरू कर देंगे और वीडियो कॉल में जैसे कि आप जानते हैं कि आपका भी चेहरा आ रहा होता है तो वो उसकी रिकॉर्डिंग करके या उसका स्क्रीनशॉट्स लेके बाद में आपको ब्लैकमेल करते हैं। ये कहते हैं कि अगर आपने ये हमें पैसे नहीं दिए तो हम ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर डाल देंगे या तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल देंगे। वहीं कश्मीर के ही श्रीनगर के दो रहने वाले युवकों के ऊपर इल्जाम ये लगा कि उन्होंने एक लड़की की, एक छोटी बच्ची की जो है वीडियो इस तरीके से रिकॉर्ड की और उसके बाद उसे डराया धमकाया कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपकी ये वीडियो को सर्कुलेट कर दिया जाएगा। और यहां तक बात पहुंचाई कि उन्होंने उस वीडियो को कुछ व्हाट्सएप के जरिए जो है वो सर्कुलेट भी किया। पुलिस ने फौरन तौर पर कार्रवाई की और कार्रवाई करके इन दोनों लड़कों को तो अरेस्ट कर लिया है। आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, लेकिन फिलहाल यही कहा गया है, लोगों से यही अपील की गई है कि अगर आपके पास भी ये वीडियो पहुंचती है तो इस वीडियो को शेयर करना कानूनन जुर्म है, आप इस वीडियो को इमीडिएटली डिलीट करें।